हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस यूनिटेक और मैं हूं सुशील। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका बैलेंस एडसेंस अकाउंट में $10 या $10 से ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द पेमेंट। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो कैसे आप ये ऑप्शन आपके चैनल पर आएगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक्शन पे क्लिक करना है आपको, इसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आप देखो, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव द पेमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी आपके पास आइडेंटिटी है आधार कार्ड को छोड़ के, बिकॉज आधार कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे आप जाओ, जैसे मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसी इमेज आप रेडी कर लो, यहाँ पे आपका फ्रंट आ जाए, यहाँ पे आपका बैक आ जाए, तो ऐसा आप रेडी कर लो। इसके बाद आपको जाना है और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो अगर आप चाहते हो कुछ भी एडिट करना तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, और ये सिर्फ एक ही बार एडिट होगा। बिकॉज आप यहां देख सकते हो, यू वुड नॉट एबल टू एडिट योर नेम आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट और आफ्टर योर आइडेंटिटी इज वेरीफाइड। तो जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, अब यहां पे आप देख सकते हो मेरा नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहां पे पड़ी हुई हैं। इसे एक बार क्लोज करके फिर से ओपन कर लेते हैं। तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे आप देखो, यहां पे कहता है अपलोड ए फोटो और कॉपी ऑफ योर वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, या तो आपके पास पासपोर्ट है आप वो यूज कर सकते हो, पैन कार्ड है आप यूज कर सकते हो, वोटर आईडी आप यूज कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यूज करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। तो आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है। ये ऑप्शन आपके पास पहले आता था, आप आधार कार्ड भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप आधार कार्ड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको वो वाला आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है, वो भी ड्राइविंग लाइसेंस। तो अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आपको याद रखना है, सबमिट पे क्लिक करने से पहले आप अपना सारा एड्रेस और यहाँ पे नेम पूरी तरीके से चेक कर लें, और ये पूरा एग्जैक्ट मैच करना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो मेरे केस में मैच कर रहा है। अब यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, आपको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ ए फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे कुछ दिन लग सकते हैं आपके आइडेंटिटी वेरीफाई होने के लिए। तो दोस्तों, मैं वेट करता हूँ जब तक कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं आती गूगल से, और उसके बाद मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरीफिकेशन सक्सेसफुल का मेल आ चुका है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ साइन इन टू योर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेटअप ए प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ यू हैवन्ट डन सो ऑलरेडी। सो बेसिकली 24 घंटे लगे गूगल को वेरीफाई करने के लिए मेरी आइडेंटिटी। तो 24 घंटे के बाद आप देख सकते हो मेरे पास ये मेल आ चुकी है, और ये मेल मेरे पास 8:14 पे आई है, और आज आप डेट देख सकते हो, ये 13 है। तो मैंने 12 तारीख को अप्लाई किया था यहाँ पे, और 13 तारीख को मेरे पास मेल आ चुकी है। 24 घंटे या 26 घंटे के आसपास लगे हैं इसमें आइडेंटिटी वेरीफिकेशन होने के लिए। आपके केस में इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कि कैसे आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो आप कमेंट करिए इस वीडियो पर, मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जो भी न्यू अपडेट्स होंगे आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।